दोस्तों, हम सब इंसान हैं और बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम गलती करते हैं, लेकिन सच्चा अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों पर सुधार करता है, अपनी गलतियों से इम्प्रूवमेंट करता है। और ऐसे लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं। सो कल मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हुआ ये कि फिटनेस फ्रीक है तो अच्छा खाने की जद होती है कि कुछ अच्छा खाने को मिले, ज़बरदस्ती का फालतू का शुगर ना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। सो कल मैं मीठा बहुत खा लिया। एक होता है थोड़ा सा मीठा खाना, मेरे लिए वो भी बहुत है, फिर होता है थोड़ा ज़्यादा, और फिर होता है बहुत सारा, और उसमें शुगर बहुत, वो भी आर्टिफिशियल। चलो नेचुरल होती तो भी एक्सेप्टेड था। सो अब बारी है खुद को सज़ा देने की। सो मैं अपने आप को सज़ा किस तरीके से दूंगा मैं आपको बताता हूँ। सो मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पे पूरा नीम का पेड़ है। ये नीम की छोटी सी डगल है, तो मैंने ये डिसाइड किया। वैसे तो मैं हमेशा यही करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई फेक नहीं बता रहा हूँ कि आपको वीडियो बनाने के लिए ये नीम के पत्ते तोड़ के लाया, नो, नॉट लाइक दैट। पर जब भी कुछ मीठा खा लेता हूँ तो उसी दिन या उसके अगले दिन मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि बॉडी में कड़वाहट भी जाए। टेक्निक क्या है कि देखिए, अब आपने मीठा बहुत खा लिया तो बॉडी में जो स्वीटनेस है वो बढ़ गई, शुगर थोड़ा बहुत बढ़ गया। अब उसका अपोजिट बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ कड़वी चीज़ें हैं, तो इसको मैं खाऊंगा। अगर इसमें सारी पत्तियां तो अच्छी नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम ऊपर आप देखेंगे तो पत्तियां इसकी अच्छी हैं। मैं वो रस नहीं निकाला, रस से भैया हमको मज़ा नहीं आता, मुझे पत्तियों खाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मुझे लगता है उसमें कड़वाहट ज़्यादा अच्छी रहती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आप मिक्सर में मिक्स करेंगे ये सब कुछ करेंगे तो वो वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं। मैं इसे पत्तियों के रूप में ही खाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा मेरे पास दातुन भी है, इसमें भी बहुत अच्छा कड़वाहट होती है, और आज ऐसे ही से दातुन भी कर लेंगे। और बॉडी में हर एक रस का, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, चटपटा हो, का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वात पित्त कफ जो रोग होते हैं ये इसके कारण भी होते हैं कि बॉडी में रस यानी कि जो लिक्विड है, मीठा खट्टा चटपटा, इनके ऊपर नीचे होने के कारण। लेट्स एंजॉय। मेरे लिए ये सज़ा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है नीम पत्ती खाना। दिस इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो टू मेक यू नो कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर कुछ आगे पीछे ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया हो तो। वेल, दिस वॉज अ वेरी रेंडम वीडियो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बनाने वाला हूँ, बस ये हो गया। थैंक यू, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।